तो यार सुबह हो तो ऐसी उठते के साथ नोटिफिकेशन देखा कि वांडा विजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है एमिस अवार्ड के टाइम। और यार क्या बोलूं, टिपिकल मार्वल ट्रेलर है, कम टाइम में हद से ज्यादा बातें दिखा। कोई इनसे सीखे वैसे ये वीडियो ट्रेलर का डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन है जो मुझे ट्रेलर 8-10 बार देखकर समझ में आया है। तो चलो यार देखते हैं कैसा ट्रेलर है। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है पुराने टाइम के स्क्वायर फ्रेम वाले टीवी के साथ, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कर्व स्क्रीन, ऐसे टीवी 1950s में आते थे। तो ट्रेलर स्टार्ट किए हुए 6 सेकंड्स हो गए हैं और पहला ईस्टर एग भी दिख गया है। ये पुरानी एम्बेसडर जैसी दिखने वाली कार जिसका प्लेट नंबर है 102, थ्रोबैक टू द एवेंजर्स इशू 102, जिसमें विजन को नई बॉडी मिलती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि कर्व खत्म हो गया है और फ्रेम बड़ा हो चुका है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि हम टाइम में अब आगे बढ़ चुके हैं। अब वांडा और विजन अपने घर के बारे में बात करते हैं और वांडा बोलती है कि उन्हें सब कुछ फिट करना होगा और विजन को अपना नया फेस दे देती है। अब डिनर की बात करते हैं, तो यार ऐसे मेहमान किसी को पसंद नहीं आएंगे। अपनी नाक मास्क के अंदर रखे, दूसरों के काम में नहीं। वैसे अगर देखें तो जैसे ये लोग अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे ही स्क्रीन पे ग्लिचेस दिखाई देने लगते हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि वांडा का ये परफेक्ट वर्ल्ड इज नॉट दैट परफेक्ट येट। और अब ये कुछ विचक्राफ्टी, इट्स लेवियोसा। वैसे जो ध्यान देने वाली बात है वो है इस बॉटल का लेबल जिस पे लिखा है Maison du Mépris, Maison du Mépris। हाँ मुझे बोलना नहीं आता, गूगल से सीखा अभी, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि ऐसा घर जहाँ झगड़े हो और निंदा की जाती हो, जो कि ट्रेलर में अभी तक साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे फ्रेंच और इंग्लिश मिला दे तो बनता है हाउस ऑफ मेरफिस या फिर हाउस ऑफ एम, और हाउस ऑफ एम यानी कि मार्वल कॉमिक्स, जो कि यहाँ साफ साफ दिख रही है एलिजाबेथ ऑल्सन के हाथों में। अब आगे देखें तो दुनिया रंग बिरंगी हो गई है, यानी ये कलर टीवी आ चुके हैं, मतलब 70s में अब अपन पहुंच चुके हैं। और ये होंगे वांडा के बच्चे विकन और स्पीड, जो कि कॉमिक्स में म्यूटेंट्स है, और कॉमिक्स में तो वांडा भी म्यूटेंट है जो कि मैग्नेटो की बेटी थी। और मे बी इस शो से एक्समैन कनेक्शन क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाए एमसीयू में। अब इस ट्रेलर में इस महिला की बात कर लेते हैं, इस एक्ट्रेस का नाम है कैथरीन हान, जिनको एज एन अनअनाउंस्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था D23 एक्सपो में। तो हैलोवीन का टाइम है, मैडम विच वाले कॉस्ट्यूम में और विजन के मजे ले रही हैं। वो विजन को सीधा बोल रही है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मर चुका है। वैसे यार रोबोट ही तो है, मर गया है तो फिर से बना लो, क्या ही है, बट सीरीज बनानी है कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक बार फिर से नज़र डालते हैं इन मोहतरमा पे, ट्रेलर में इनका नाम एग्नेस बताया जा रहा है। और यार मुझे एग्नेस नाम की कोई कैरेक्टर याद नहीं है, बट एक कैरेक्टर थी एगेंटा हार्टनेस, जो कि अर्थ की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विचेस में से एक थी और वांडा की मेंटर भी थी। एगेंटा का कैरेक्टर फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और वांडा की स्टोरी लाइन में बहुत बार देखा गया है। और अगर नाम पे ध्यान दे तो एगेंटा का एजी और हार्टनेस का NES जोड़ दे तो एग्नेस बन जाएगा। वाह यार मार्वल वालों वाह। और यहाँ हेलोविन के बहाने हमें वांडा और विजन के कॉमिक एक्यूरेट लुक्स भी दिख जाते हैं, और वांडा अपने हाथों की हिलाती है और लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई करके टाइम में और आगे चले जाते हैं, मे बी 80s और 90s में अब हम पहुंच चुके हैं। और ये है मोनिका रैम्बो, कैप्टन मार्वल वाली, और लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्वॉर्ड के लिए काम करती है, वही स्वॉर्ड जिसके वर्कप्लेस पे निक फ्यूरी छुट्टियां मना रहा था फार फ्रॉम होम के एंड में। और ये कहां से आई है ये तो नहीं पता, मे बी टीवी स्क्रीन से निकल रही हो और मे बी दूसरे डायमेंशन से, क्योंकि ऐसे लाइंस मैंने डिस्कवरी में बहुत बार देखे हैं जो कि किसी और अल्टरनेट डायमेंशन को लिंक करते हो। बट जो भी हो रहा है वांडा ही कर रही है, क्योंकि ये लाल लाल लाइट्स वांडा के पावर से ही बनते हैं। और यहाँ होगा रियलिटी में उलट फेर और होगी इसी के साथ एंट्री मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स की, यानी कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की, और ये सीरीज डायरेक्टली कनेक्ट होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से। तो ये बात तो साफ है कि मे बी शो के एक दो एपिसोड्स फनी हो ओल्ड सिटकॉम टाइम्स, बट बाकी में क्या होगा पता नहीं। वांडा विजन मार्वल की अभी तक की सबसे मिस्टीरियस प्रोजेक्ट्स में से एक है, मजा आएगा फॉर श्योर। और एक बात और साफ है, मार्वल इज स्टिल अलाइव एंड मार्वल इज बैक।
तो यार 1 मिनट 21 सेकेंड यानी कि 81 सेकेंड्स के टीजर को समझने में ऐसा हाल हो जाता है। ये मार्वल वाले ट्रेलर को सच में बवाल बनाते हैं। वैसे अभी और भी डिटेल्स है इस ट्रेलर में, और मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके लिरिक्स को समझना। मिस नहीं करना चाहते तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड यू नो द रेस्ट। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।